फाइलिंग के लिए पहले प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं और नया प्रोजेक्ट बना देते हैं जावा एप्लीकेशन, और इसका नाम रख देते हैं कैंटीन डॉट सी यू आई। फाइलिंग के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा डॉट आई ओ डॉट स्टैटिक। जावा डॉट आई ओ का क्या मतलब है? आई से मुराद इनपुट और ओ से मुराद आउटपुट। इनपुट का मतलब है कोई फाइल पड़ी है उसमें से कुछ रीड करके लाना है तो इनपुट यूज हो जाएगी, और कोई फाइल पड़ी नहीं है क्रिएट करनी है और उसमें जाकर रिकॉर्ड स्टोर करना है तो फिर आउटपुट यूज हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहां पर क्या करते हैं, फाइल फाइल राइटर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर ई डॉट ए बी सी डॉट टेक्स्ट इधर इसने क्या दिखाया है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू थ्रोन। कहते हैं ये लाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर पर ई ड्राइव नहीं है, क्या नहीं है, तो ये वाली लाइन एरर जनरेट कर सकती है। जब ये एरर जनरेट कर सकती है तो कहते हैं आप इसको ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे तो ये जावा चलने देगा, अदरवाइज चलने नहीं देगा। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं, मैं कहता हूं ऐड। तो ये थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, यानी ये वाला मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, इससे भी एक्सेप्शन हैंडल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं इंजीनियर, हमने क्या करना है, हमने ट्राई कैच के अंदर इसको लिख देना है। ठीक है, और ई डॉट ए बी सी डॉट टेक्स्ट, सिंगल स्लैश नहीं लेता, डबल स्लैश देनी पड़ती है। ये डबल स्लैश जावा में डबल है, वहां पर सिंगल ही कंसिडर होती है। और हम कहते हैं एफ डब्ल्यू डॉट राइट वेलकम टू एन सी बी ए एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा विद ओमर असीस। ओके, फिर इसके बाद फाइल को क्लोज करना होता है, फाइल क्लोज करना। अब चलाते हैं इसको और यहां पर एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, चलाएं इसको, ले जी चल गया, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ई ड्राइव में जाते हैं और ए बी सी डॉट टेक्स्ट ओपन करते हैं, वेलकम टू एन सी बी एंड ई ऊ जावा विद उमर अजीज, थ्री लाइन ऑफ कोड्स एंड यू हैव योर ओन टेक्स्ट फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। हाउ इज दैट ऑसम? लेट्स सी, अब हम प्रोग्राम में जाकर इसको रीड करते हैं। तो मैं यहां कहता हूं ठीक है, सेव करते हैं इस फाइल को और बंद कर देते हैं। अब हम अपने जावा प्रोग्राम के अंदर इसी फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो एक्सेप्शन का मैसेज भी देना चाहिए। तो वो एक्सेप्शन का मैसेज कैसे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ई डॉट गेट मैसेज। ओके,
अब हम इधर आते हैं और यहां पर हम कहते हैं फाइल रीडर एफ आर इज इक्वल टू ना ट्राई कैच में एफ आर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर किसको रीड करना है ई कॉलन बैक स्लैश ए बी सी डॉट टेक्स्ट हो गया वाइल एफ आर डॉट तो अब यहां पर हमें रीड करने के लिए एक और क्लास होती है बफर्ड रीडर की उसको यूज कर लेते हैं बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इसको इनपुट में एफ आर चाहिए फाइल रीडर और इसके ऊपर हम लूप लगा देंगे लाइन बाय लाइन हम रीड करना चाहते हैं तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं लाइन का और उसमें खाली स्ट्रिंग डाल देते हैं और यहां पर हम क्या कहते हैं कि लाइन इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन और इसका जो जवाब है ये कब तक चलता रहे ये तब तक चलता रहे जब तक ये नल नहीं दे देता यानी जैसे फाइल खत्म होगी ये नल रिटर्न कर देगा तो लूप रुक जाएगा और यहां पर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या लाइन एक एक लाइन रीड करता जाए और हमें यहां डिस्प्ले करता जाए अब अगर हम ये कोड भी चलाएंगे साथ में राइट वाला तो जो उस फाइल में एडिशनल लाइन ऐड की थी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि इस फाइल को ये दोबारा क्रिएट कर देगा तो थोड़ी देर के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं कमेंट वो लाइन ऑफ कोड होता है जो इग्नोर हो जाता है कंपाइलर उसको नहीं चलाता तो अब हम इसको चलाते हैं तो लें जी वेलकम टू एन सी बी एंड ई ऊब जावा विद उमर अजीज लो बताओ ये भी कोई काम है तो वो जो हमने फाइल में लिखा था वो सारे का सारा ये रीड करके आ गया नाउ वी नो अब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास राइटर भी है और रीडर भी है कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जरूर आते हैं अगर फाइल्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज ना किया जाए यानी ये यहां पर अगर आप गौर से देखें तो एक कोड जो बहुत ज्यादा जरूरी है बी आर डॉट क्लोज और एफ आर डॉट क्लोज यानी बफर रीडर को भी क्लोज करना पड़ेगा और फाइल रीडर को भी क्लोज करना क्लोज का क्या मतलब होता है अगर ये ओपन रहा तो हम फाइल को कंप्यूटर के अंदर ओपन नहीं कर सकेंगे ये अलाउ नहीं करेगा कि फाइल ऑलरेडी किसी और ने ओपन की हुई है तो जिस फाइल को भी ओपन करें उसको क्लोज करना मस्ट होता है अगर हम क्लोज का कोड भूल जाएंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा सिमिलरली अगर ये फाइल तो क्लोज तो मस्ट है जो फाइल ओपन हुई है उसने क्लोज मस्ट होना होता है इसलिए हमेशा क्लोज का कोड हम फाइनली के ब्लॉक में लिखते हैं कि फाइल ओपन की और काम करना शुरू किया और बीच में कोई एरर आ गया तो एटलीस्ट वो फाइल को रिलीज कर दे जैसे एक्सेप्शन आए वो हम फाइनली के ब्लॉक में जाके क्लोज का कोड लिखते हैं तो फाइनली ब्लॉक इज वेरी सुटेबल फॉर द क्लोजिंग द स्ट्रीम राइटर्स और क्लोजिंग द स्ट्रीम रीडर्स फाइल रीडर्स के लिए और फाइल राइटर्स के लिए को क्लोज करने के लिए बेस्ट क्या होता है कि हम उसमें उसको फाइनली ब्लॉक में लिखें तो यहां पर ये जो मैं ब्लॉक बनाता हूँ फाइनली का और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ किसको ये जो एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज है और ये जो फाइल क्रिएट करने वाला कोड है ये ट्राई से बाहर लिख देते हैं क्योंकि अगर ये ट्राई के अंदर होगा तो एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज फाइनली में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा अवेलेबल होते हैं हर जगह पर ठीक
ठीक है, अगर वेरिएबल एक ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है आउटसाइड द ब्लॉक वो किसी को नजर नहीं आएगा। तो सिमिलरली ये जो बफर रीडर वाला कोड है ये भी हम उठाकर यहां लिख देते हैं। अब इसका क्या फायदा है, बी आर और एफ आर दोनों हमें फाइनली में अवेलेबल हो जाएंगे क्लोज करने के लिए। तो कैच के बाद फाइनली का ब्लॉक लिखते हैं और यहां लिखते हैं कंट्रोल जी। फाइनली के ब्लॉक में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ई डॉट गेट मैसेज। और इसकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकॉलन लगा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट नहीं, यहां पर हमने एफ आर बी आर डॉट क्लोज और एफ आर डॉट क्लोज का कोड लिखना है। तो ये दोनों यहाँ पर आ गए। इनको भी क्लोज करने के लिए ट्राई कैच चाहिए, तो इनको उठाकर हम क्लोज करते हुए अगर कोई एरर आ गया तो वो भी कॉट हो जाएंगे। अब ये नेस्टेड ट्राई कैच हो गया। ट्राई फाइनली के अंदर एक और ट्राई कैच आ गया। अगर ट्राई का कोड लिखे और कैच ना भी लिखे तब भी वो चल जाएगा, उस एरर में कोई आया है तो वो एटलीस्ट प्रोग्राम को रोकेगा नहीं। तो कैच ना करने का कोई नुकसान ही है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, 10,000 लाइन ऑफ कोड्स हमने लिखे हुए हैं और उन 10,000 लाइन ऑफ कोड्स में कोई एरर आता है और हम मैसेजिंग नहीं दे रहे कि क्यों आया है, इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड। तो वी मस्ट राइट कमेंट्स, कमेंट्स भी प्रोग्राम में लिखने चाहिए और ट्राई कैच भी हर जगह ज़रूर लगाना चाहिए जहां हमें एक्सपेक्टेड है कि एरर आ सकता है। क्लियर होगी बात, एनी कन्फ्यूजन? हाँ जी, कुछ सवाल आते हैं तो पूछ लें।